हेलो गाइस आज जो बताना है पेटीएम बैंड हो गया पेटीएम से कौन सा भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते कहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर सकते पेमेंट ले भी नहीं सकते पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे ये वीडियो में मैं विश्वजीत मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्टिव विश्वजीत पूरा वीडियो देखना पूरा वीडियो देखे तो पूरा डिटेल्स जानकारी सही तरफ से मिलते पेटीएम दो में जब नोटबंदी का टाइम आया था वो टाइम पर पे पेटीएम एकदम एक तरफा चला एकदम से पेटीएम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया उससे बाद 2017 में पेटीएम बैंक का सुविधा ला लिए सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खोल के जैसा बैंक यूज़ करते वैसा ही बैंक के जैसा यूज़ कर सकते तो वो जो ना पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक खोले खोलने के बाद जीरो बैलेंस अकाउंट है कुछ भी चार्जेस नहीं है कुछ भी नहीं है तो पेटीएम बैंक भी वो लोग यूज़ करा उससे बाद 2018 में कंपेन इशू आ गया उससे बाद 2022 को आठवेल से नोटिस भी आ गया उससे बाद 2023 को 5.39 पॉइंट करो फाइन लगा पेटीएम को उससे बाद पेटीएम बैंड करे आठवेल से 31 जनवरी 2024 को पे जब बैंक का सुविधा लेके आया उससे बाद से ही टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा आरबेल का उसके लिए नोटिस भी जारी करके पेटीएम को भिजा करे तो पूरा कंप्लीट नहीं करे इसका वजह से पेटीएम को भुगना पड़ रहे पेटीएम इतना बड़ा कंपनी है हर जन का मुख पे पहले पेटीएम आता उससे बाद पे गूगल पे हर जो यू पी पेमेंट का उससे बाद आता सबसे पहले क्या है कौन सा भी दुकान पे जाए तो एक ही बात रहता आपके पास पेटीएम है क्या तो पेटीएम से पेमेंट कर सकते क्या किधर भी जाए तो छोटा बिजनेस वाले बड़ा बिजनेस वाले ठेला वाले हर जनों पास पेटीएम रहते थे पेटीएम के पास हंड्रेड मिलियन कस्टमर के वाई सी वेरीफाई है जो फास्टैग रहते हैं फास्टैग लगा के टोल टैक्स पे जाए तो किसी को भी रोकने का जरूरत नहीं है फास्टैग में बैलेंस रहे तो वहाँ पे पैसे काट हो जाता पेटीएम के पास एट मिलियन कस्टमर है फास्टैग के लिए पेटीएम कितना बड़ा कंपनी हो गया इतना कस्टमर रहने के बाद भी पेटीएम को ध्यान देना चाहिए था आर का जो इंडिया का रूल का हिसाब से उसको ध्यान ज्यादा नहीं दिए इसके लिए आज पेटीएम को भुगना पड़ रहे अभी देखिए गूगल पे फोन पे इन लोगों का कुछ तो निकल के आ रहा नहीं अभी पेटीएम का निकल के तो आ गया गाइस सारे एक बात है जैसा पेटीएम का शेयर खरीद के राकेश क्यों बोले तो पेटीएम का शेयर थोड़े दिन के लिए एकदम से ऊपर आ रहे थे पेटीएम का शेयर जिन लोग खरीद के रखे अभी तो सेल नहीं कर सकते तो पेटीएम के शेयर सेल करने के लिए टाइम लगते गाई सारे बात है जैसा पेटीएम वॉलेट पे आपका बैलेंस है आप यूज कर सकते पेटीएम के अंदर क्रेडिट भी नहीं कर सकते डेबिट भी नहीं कर सकते पेटीएम जो बैंड करे उनतीस फेबर दो हजार चौबीस तक पेटीएम में जिन लोगों का वॉलेट में बैलेंस है आप यूज कर सकते दूसरा बैलेंस पेटीएम पे अभी ले नहीं सकते क्रेडिट डेबिट कुछ भी नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन पूरा बंद रहते तो इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ पेटीएम के अंदर जितना बैलेंस है जिन लोगों का उनतीस फरवरी दो हजार चौबीस तक पहले पेटीएम से बैलेंस निकाल लीजिए नहीं तो आप परेशान होते पेटीएम के अंदर बैलेंस रहे तो आज जिन लोग आप शेयर खरीदे अभी शेयर तो बेच नहीं सकते आडवेन से जो अपडेट आया पेटीएम के लिए पेटीएम जो बंद हो गया पेटीएम जो बंद होने वाला है ये वीडियो बनाना थोड़ा लेट हो गया जैसा ये जो अपडेट आया 31 जनवरी 2024 का अपडेट है मैं सात तारीख को वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बनाना लेट हो गया इसके लिए सॉरी जो पेटीएम का अपडेट है मैं एक के बाद एक देते रहेंगे पेटीएम का जो अपडेट था आरबीएल से आए से मैं पूरा डिटेल्स जानकारी दिए आरबीएल से वो भी पे साइट पे मैं डाल रहा हूँ वो भी आप पढ़ के आप देख सकते क्या क्या ट्रांजेक्शन आप कर सकते है क्या क्या नहीं कर सकते पूरा डिटेल्स इसके अंदर जानकारी है आप पढ़ के चेक कर सकते पेटीएम जो बंद हो गया इसका जो जानकारी दिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए दोस्तों को भी शेयर करिए कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बाय टेक केयर जय हिंद बंदे मातरम